दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें और अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम काली नदी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। काली नदी भारत में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले के जोयडा में बहने वाली प्रमुख नदी है। काली नदी जोयडा के एक छोटे से गांव कुसावली के पास से निकलती है। यह नदी उत्तर कन्नड़ जिले में लगभग 4 लाख लोगों की जीवन रेखा है और कारवार के तट पर मछुआरों सहित हजारों लोगों की आजीविका का समर्थन करती है। बिजली उत्पादन के लिए इस नदी पर कई बांध बनाए गए हैं। गणेशगुड़ी में बना सुपा बांध काली नदी पर बने महत्वपूर्ण बांधों में से एक है। यह पांडरी नदी को पश्चिमी घाट में बाईं ओर से और पूर्व की ओर बहने वाले सुपा बांध जलाशय में मिलती है। काली सुपा बांध से निकलती है और फिर दांडेली की ओर बहती है। दांडेली के दक्षिण से गुजरते हुए काली नदी दक्षिण पूर्व में बुमनली जलाशय में बहती है। बुमनली गांव के बाद काली पश्चिम तटिला नदी में मिल जाती है। नियंत्रक और सुरंग भगवती में स्थित है। उस बिंदु पर काली पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और साइक्स पॉइंट के नीचे साथोड़ी जलपात पर समाप्त होने वाले एक कंठ से होकर बहती है। काली तब उत्तर से कानेरी नदी में मिलती है और पश्चिम में कोडसल्ली जलाशय में बहती है। वहां से यह दक्षिण पश्चिम में कदरा जलाशय में बहती है और कदरा में बांध से काली दलदल से पश्चिम की ओर गुजरती है। यह कारवार शहर के पास अरब सागर में मिलती है। यह अरब सागर में शामिल होने से पहले यह नदी 184 किलोमीटर बहती है। यह नदी पूरी तरह से उत्तर कन्नड़ जिले से होकर बहती है। एक संपन्न पर्यटन उद्योग अब काली के तट पर मौजूद है और नदी अब भारत में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नदी के इस हिस्से में नौक विहार, कैनोइंग, कयाकिंग, तैराकी, मछली पकड़ना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।